देख लो भाई, इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसकी नाक टूट गई थी, फ्रैक्चर बोन दोनों तरफ। ये लग रही दोस्तों देखो, एज में ब्लीडिंग, एज अच्छी दिखती है इसमें, ऐसा लुक आता है। ये हमने क्या किया, ग्रेनाइट, एक 3 इंच का ग्रेनाइट देके ऊपर 3 फीट टाइल्स आ जाएगी। एक वेज बर्गर खाने के बाद अब वेज रोल बहुत भारी पड़ रहा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, और मैं हूँ और मेरे साथ नागराज भाई, हम दोनों जा रहे हैं मिलकर साइड में। और बहुत दिन हो गए आज बारिश होते होते, पर बहुत सॉलिड बारिश हो रही है दोस्तों। देखो बारिश कल रात से क्या, कल दिन से ही होने में लगी हुई, और बीच में 3-4 दिन का वेदर फोरकास्ट था, वो होने के बाद 2 दिन बंद रही, और फिर 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और 2-3 दिन व्लॉग नहीं किया यार, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, और बारिश में कहीं निकले भी नहीं हम, तो व्लॉग भी नहीं किया। फिर आज से निकले दोबारा जोरों शोरों से कपड़े गरम गरम पहन के, और चलो साइड चल रहे हैं अभी, और मौसम मस्त हो रहा है यार। बारिश में भी प्लास्टिंग चल रही है दोस्तों, थोड़ा पट्टा लगा लगा के कर रहे हैं, क्योंकि काम तो चलते रहना है, बंद नहीं होना। ऊंचे नीचे हो रहा रे, इसको क्या हो रहा ना, तेरा लगा रहे ना, और ये अपना वॉश एरिया लगने लग गया है, वॉश एरिया। वो देख तूने क्या करा मिस्त्री, वो देख वहाँ देखो कॉर्नर में पूरा थूक का थूक लगा रहा है, देख क्या लगा रहा है। ये बड़ी गंदी आदत है यार, बहुत गंदी आदत है। अभी क्या करेगा, थोड़ी देर बाद अगली बार तुम फ्लोरिंग करने आएगा, फिर कहाँ थूकेगा? अबे नहीं, हाँ बता कहाँ थूकेगा, जब फ्लोर अभी ये कच्चा है यहाँ थूक रहा, अभी तू फ्लोरिंग करेगा ना इसके बाद पूरे घर की, फिर कहाँ थूकेगा बता? अबे कहाँ थूकेगा बता, खाएगा तो जरूर थूकेगा किधर बता, फिर तू दीवारों में थूकोगे तुम लोग। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, अच्छे करो काम। गुटखा खा के क्यों जिंदगी खराब कर रहा, पूरे वॉश एरिया चल रहे, और इधर चल रहा किचन भी, अभी इधर कॉर्नर रह गए इसके। ये हमने क्या किया, ग्रेनाइट, एक 3 इंच का ग्रेनाइट देके ऊपर 3 फीट टाइल्स आ जाएगी, और हो गया बस, इसके बाद फ्लोरिंग है बस। पेंटिंग का पुट्टी होगी, 3 कोट पुट्टी और पेपर हो गया, सारे काम हो चुके हैं, बस वॉश एरिया और किचन लगने के बाद फ्लोरिंग स्टार्ट। ये लग रही दोस्तों देखो, एज में ब्लीडिंग, एज अच्छी दिखती है इसमें, ऐसा लुक आता है। इधर और ये कॉर्नर में ब्लीडिंग कहते हैं इसको, एज दिखती नहीं है इससे। ये टाइल है ना, प्लास्टिक की ब्लीडिंग है, इधर इधर और हर कोने में। और दोस्तों मौसम तो मस्त हो रहा है, मस्त सॉलिड काम चल रहा अपना जोरों शोरों पे। हाँ ये सपोर्ट लगा दिया ना, सपोर्ट लगाया। अच्छा ओहो, अच्छा फ्रैक्चर हो गया ना, नेजल फ्रैक्चर। अरे यार 3 दिन में कुछ तो निकाल तो बोल रहा। 3 दिन में, अभी कितने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए ना, हफ्ते भर हो गया ना पीटी। देख लो भाई, इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसकी नाक टूट गई थी, फ्रैक्चर बोन दोनों तरफ। हाँ भाई हाथ ना काट दियो भाई। खत्म बोल लिया तो बस, ये पेपर फेंकना, जब खत्म का फिनिशिंग आना बोले तो। अच्छा खत्म करने के लिए फेंकना है, अब इसको चाटेगा और उसके बाद समझ जाएगा कि खत्म हो गया। तो चलेंगे अब दूसरी साइड में चलते हैं यहाँ से, या एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद मीटिंग में चलेंगे। और गुड इवनिंग दोस्तों, शाम हो रही है और नागराजू भाई और मैं जा रहे हैं एक मीटिंग में, बारिश तो वैसी है लगातार पड़ रही थी, और भयंकर बारिश। कैसा लग रहा है, आपने तो मोटा पहना हुआ, ठंड लग रही यार, बारिश खैर बारिश से भी बचा देता है ना, बारिश में भी बचता है, मगर ठंड लग रहा है। ठंडा है भाई, हवा चल रही ना, मैंने तो हल्की टी शर्ट ये शर्ट पहनी हुई, और बहुत ठंडा हो रहा है, मस्त हवा चलती है ना यहाँ, उससे डबल डबल वो हो जाता है इम्पैक्ट। आपको फेवर आने के बाद हमें डर लग रहा है, मच्छर को मच्छर से बचाने के लिए लगा रहे। अभी 2 दिन से फीवर में पड़ा था मैं, और सही हो गया, अभी हल्का सा वायरल था, तो फुल बाजू पहन रहा शाम को मच्छर मुच्छर काटने का। भाई डेंगू बहुत चल रहा है, डेंगू साइट में जो भी बहुत खतरा है ना, बहुत खतरा है, दिन में ही मच्छर है अभी तो मच्छरों के लिए तो शाम ही है, 24 घंटे अभी आजकल तो पनपने वाले दिन है मच्छरों के,
तो चलो मीटिंग के बाद मिलते हैं और मौसम देखो यार क्या मस्त हो रहा है दोस्तों। मौसम तो ट्रिप मारने वाला हो रहा था कहीं की, मगर हम बीमारी से उठ रहे अभी कहीं जा भी नहीं सकते। सही में यार बहुत दिन हो गए कहीं गए भी नहीं है ना, जब से देहरादून से आए हम नागराजू भाई, कौन सी तारीख को, जून 6-7 को, बस तब से कहीं भी नहीं गए। गाड़ी लेके सीधे इधर आ गए, जब से कहीं नहीं गए ना, जब से एक दिन के लिए भी नहीं गए, एक दिन नहीं, आधे दिन के लिए भी नहीं गए। देख लो यार यहाँ आए तो बस बिजी काम में बिजी, और इस बारी तो खैर देहरादून में ज़्यादा रह गया था क्योंकि गाड़ी के चक्कर में। और चलो फिर मीटिंग के बाद मिलते हैं दोस्तों, मौसम दिखाता हूँ आपको, मौसम के मजे लो आप। तो दोस्तों मीटिंग से आ गए हम और फुल ट्रैफिक में आ चुके हैं। प्लान ऐसा बना कि पिछली बार का हमारा, हम पिछली बार यहीं आए थे मीटिंग में, और जब पिछली बार आए थे तो हमारा प्लान था कि हम मॉल में जाएंगे, बाजू में ही मॉल है तो वहीं सरद सिटी मॉल में जा रहे हैं नागराजू भाई और मैं, बिल्कुल बाजू में है तो हमने सोचा अपॉर्चुनिटी छोड़नी क्यों है, अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं कभी। और वो रहा दोस्तों सरद सिटी मॉल, देखा ना बिल्कुल पीछे थे हम, तो हमने सोचा यहाँ जाया जाए एक बार, मौका क्यों छोड़ना, वैसे तो हम आते नहीं है स्पेशली। देखो भाई कितना बड़ा मॉल है, ये हैदराबाद का सबसे बड़ा मॉल है ना, वो कितना चौड़ा है वहाँ तक, और फिर लंबाई भी इसकी भयंकर है, मतलब जितनी इसकी चौड़ाई है उतने में मॉल खत्म हो जाते हैं। यह है एडिडास शोरूम, किधर है, यहाँ भी है कुछ कलेक्शन, वॉच लेनी है, एक टाइटन वाला देखा बहुत दिन के, हाँ टाइटन मैं रखता हूँ ना, रखता होगा यार, चलो देखनी है एक बार, ऐसे देख के निकलेंगे, चलो अंदर चलो। दोस्तों शॉपिंग तो हमने करी नहीं, मगर हमने ले लिए बर्गर दो, चलो खा के निकलते हैं फटाफट, चलो जी लपेटें, लपेटें क्या, जल्दी लपेटते हैं। और हमने बोला दो वेज रोल, तो एक ही बहुत मर ले, आधा आधा बक्स हो जाता था। एक वेज बर्गर खाने के बाद अब वेज रोल बहुत भारी पड़ रहा, मगर ये फुल वेट वाला नॉर्मल है, बहुत सही हो रहा, हल्का है, दिखने में मोटा है, सब्जियां बहुत है ना, पूरी वेजीज है। तो दोस्तों शॉपिंग तो करी नहीं, खा पी के हम निकल लिए, तो जो अपनी मीटिंग है उसका कंटिन्यूएशन कल है, तो मिलेंगे आपको कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।